हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करते हैं बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसी को आप कहते हैं बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी को ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज ऑल्सो नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बेटा इसे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईई और आईपी कह सकते हैं ना बेटा। देखिएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट क्या होती है, यहां किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसके बाद आप देख सकते हैं वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल होगा, और आप कह सकते हैं किलो कैलोरी में 23.06 किलो कैलोरी पर मोल मिलता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE, और इसी को क्या कहा जाता है बेटा, डेल आई एच या डेल एच आई भी बोल सकते हैं आप। क्लियर, देखिएगा यहां आप कह सकते हैं कि एक्स एटम जो आइसोलेटेड एटम है, ये क्या है बेटा, आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम, इससे आप एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो दी जाने वाली एनर्जी है बेटा, उसी को आप क्या कहते हैं यहां पर, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट ऑफ ए यूनिपॉजिटिव आयन इज कॉल्ड द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिएगा जो पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होने पे बना है उस आइसोलेटेड गैसियस एटम से या यूनि पॉजिटिव आयन से आप एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करना चाह रहे हैं, तो उस एनर्जी को आप क्या कहेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, उसे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो आप कह सकते हैं बेटा यहां पर इन जनरल एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन, हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मीन एंडोथर्मिक। ये हमेशा क्या होती है बेटा, डेल एच पॉजिटिव होती है, क्या होते बेटा, डेल एच पॉजिटिव होगी। क्लियर, मैं के नॉट, देखिएगा यहां पर सेकेंड आईई जो है वो हाई है फर्स्ट आईई से, बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पॉजिटिवली चार्ज आयन वेयर द न्यूक्लियर चार्ज इज मोर देन इन ए न्यूट्रल एटम, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। देखिए बेटा जैसे ही आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो दी जाने वाली जो एनर्जी होगी वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जहां से आप एटम ए प्लस एक पॉजिटिव यूनि पॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हैं और उसको बाई पॉजिटिव या डाई पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, तो दी जाने वाली जो एनर्जी है वो फर्स्ट एनर्जी से क्या होगी बेटा, सेकेंड एनर्जी हाई होती है। क्यों बेटा, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे उस अट्रैक्शन को वीक करने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो पाता है। क्लियर बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, लेट अस ऑब्जर्व थो एनिमेशन। ये देखिएगा यहां पर आप बात कर सकते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियस है, फिर इसके सराउंडिंग में क्या होंगे बेटा, शेल्स होंगे
और आउटर जो सेल इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है बेटा? ये आउटर मोस्ट सेल पर प्रेजेंट है, ठीक है। इसे न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या है? काफी कम है, जिससे इजीली इलेक्ट्रॉन, यहां पर आप एनर्जी देंगे बेटा, क्या देंगे? एनर्जी देंगे। इसी एनर्जी को आप क्या कह रहे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। क्लियर? एमसीक्यूज देखिएगा बेटा। द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, नन ऑफ दीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है बेटा, चाहे न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने हो, चाहे पॉजिटिव एटम से या पॉजिटिव आयन से, या आप कहें यूनि पॉजिटिव आयन से, डाई पॉजिटिव आयन से, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकालने हो, एनर्जी देनी ही पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इन जनरल देखिएगा, इन जनरल एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयंस, हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मीन एंडोथर्मिक। ये क्या होता है बेटा? एंडो थर्मिक होता है, इट मीन डेल एच इज इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट देखिएगा। What is the relation between IE1 and IE2? देखिएगा यहां पर IE आयनाइजेशन फर्स्ट और आयनाइजेशन सेकेंड का रिलेशन आपको चूज करना है। तो इससे पहले आपको मैं बता देता हूं बेटा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ऑलवेज ऑलवेज सक्सेसिव मैनर में होती है, सक्सेसिव मैनर में होगी, ठीक है, सक्सेसिव मैनर में यहां पर मिलेगी। तो आप कह सकते हैं सक्सेसिव मैनर का मतलब बढ़ती हुई, इंक्रीज होती हुई आपको यहां पर एनर्जी मिलती है। तो आप कहेंगे बेटा फर्स्ट से ज्यादा एनर्जी सेकेंड होगी, तो आप कहेंगे सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, तो थर्ड ऑप्शन यहां पर मिलेगा। देखिएगा बेटा, सेकेंड फर्स्ट से ज्यादा है, बिकॉज द मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पॉजिटिवली चार्ज आयन, वेयर एज द न्यूक्लियर चार्ज इज मोर देन इन ए न्यूट्रल एटम, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्लियर? फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन पोटेंशियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिएगा बेटा, फैक्टर्स को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर है आपके एटॉमिक साइज। तो आप कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाती है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन होता है यहां पर। देखिएगा, आईपी इनवर्सली एटॉमिक साइज। तो आप कह सकते हैं व्हेन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस आईपी वैल्यू डिक्रीजेस, बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। क्लियर बेटा? तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो आईपी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का, आउटर इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, लो अट्रैक्शन होता है, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी कम मिलने पर भी इलेक्ट्रॉन इजिली आउट किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है। सेकेंड है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में आप बात करेंगे बेटा कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आईपी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ओवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अट्रैक्शन क्या हो जाता है बेटा? हाई हो जाता है, जिससे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन के रिलीज करने को। स्क्रीनिंग इफेक्ट, व्हेन स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस आईपी वैल्यू डिक्रीजेस, बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो यहां पर भी क्या होता है बेटा? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, जैसे जैसे इंक्रीज होगा
न्यूक्लियस और आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन वापस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे यहां पर आईपी की वैल्यू भी डिक्रीज होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने पर, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वीक हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टूवर्ड्स, रिलेशन हो जाता है बेटा आईपी इनवर्सली स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनेट्रेटिंग इफेक्ट या पेनेट्रेशन पावर भी इसको कहा जाता है बेटा, पेनेट्रेशन पावर पीपी। देखिएगा पेनेट्रेशन पावर होता क्या है, द टेंडेंसी ऑफ ऑर्बिटल टू मूव टूवर्ड्स द न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेनेट्रेटिंग इफेक्ट, कि कोई भी सबशेल का या वेरियस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के टूवर्ड्स कितना अट्रैक्शन शो कर रहा है उसी अट्रैक्शन को आप क्या कहते हैं, उस ऑर्बिटल का पेनेट्रेटिंग इफेक्ट कहते हैं। क्लियर बेटा? तो देखिएगा द ऑर्डर ऑफ पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स, तो यहां पे देखिएगा पेनेट्रेटिंग पावर जो होती है वो एस की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम पी की, फिर उससे कम डी की, और फिर एफ की सबसे कम हो जाती है। When penetrating effect increases, IP value increases because attraction of nucleus over the electrons increases. Over the electrons increases. ठीक है क्या? तो आप कह सकते हैं बेटा कि न्यूक्लियस के साथ आउटर इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो ही पेनेट्रेटिंग इफेक्ट जनरेट करता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, जैसे कोई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, अब ये सेल्स होंगे, सेल्स में सबसे पहले एस, फिर एस पी, फिर एस पी डी, फिर एस पी डी एफ सब सेल फिल किए जाते हैं, शेल में सब सेल प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे क्लोजेस्ट जो होता है बेटा एस होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, और सबसे लास्ट में एफ हो जाता है। इसका मतलब इसका अट्रैक्शन जो होगा बेटा यहां पर हाई रहेगा, फिर इससे थोड़ा कम, फिर और कम, फिर और कम, यहां सबसे कम अट्रैक्शन एफ का मिलेगा। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आप पेनेट्रेटिंग पावर को सबसेल और ऑर्बिटल्स के लिए चेक कर सकते हैं, जिसका पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा उसका आईपी वैल्यू भी ज्यादा मिलेगा बेटा, आईई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है पेनेट्रेटिंग इफेक्ट या पेनेट्रेटिंग पावर के। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी आईपी को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है बेटा, द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग आइदर हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर कंपेरेटिवली मोर स्टेबल, हेंस दे रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन अदर। देखिएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आईपी की वैल्यू देखते हैं, तो यहां पर होता है बेटा NP3 और यहां होता है NP4, तो आउटर इलेक्ट्रॉन और यहां पर, तो ये तो हो गया बेटा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये हो गया नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा बेटा, फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, फिर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, मैकेनॉट ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम आईई इन ए पीरियड ड्यू टू कंप्लीटली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप कह सकते हैं बेटा NS2NP6 कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आप कह सकते हैं ये हाई स्टेबल या मोर स्टेबल है। क्या बेटा? मोर स्टेबल है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, आयनाइजेशन एंड एटॉमिक नंबर,
ग्राफ है आपके एटॉमिक नंबर और आयनाइजेशन के बीच। इस ग्राफ को आप एक बार देखिएगा बेटा और समझिएगा कि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं तो कुछ हद तक या कुछ स्केल तक आप कह सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। देखिएगा वेरियस ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज विथ एटॉमिक नंबर फॉर एलिमेंट्स विथ 1 to 60 तक, एक से 60 1 to 60 एटॉमिक नंबर तक या एलिमेंट तक आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को बताया जा रहा है जिससे 1-1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होना है। देखिएगा कंप्लीटली ये एक सीक्वेंस है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, इसको आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि आप फर्स्ट पीरियड में जाते हैं हाइड्रोजन से हीलियम तो इंक्रीज मिलता है, फिर लिथियम वापस सेकंड पीरियड में स्टार्ट करते हैं फिर डिक्रीज हो जाता है, फिर सेकंड पीरियड में नियॉन तक जाते हैं इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है फिर ऑर्गन तक इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे आप इस ग्राफ से ये चेक कर सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज होती है बट ग्रुप वाइज ना होकर हॉरिजॉन्टल लाइन में पीरियड वाइज सिमिलर पीरियड में ये इंक्रीज होती चली जाती है। पीरियड में सबसे ज्यादा इनर्ट गैसेस का आईपी वैल्यू मिलता है, क्यों? अभी लास्ट स्लाइड में आपने डिस्कस किया है कि इनका ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, उसी वजह से इनका आईपी का वैल्यू हाईएस्ट होता है अपने हॉरिजॉन्टल लाइन में या पीरियड में। क्लियर बेटा? और ये ग्राफ है, वैल्यूएबल ग्राफ है, इसको आप देख सकते हैं बेटा अच्छे से। एमसीक्यूज देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज लेस्ट आईई, सीजियम सोडियम पोटेशियम लिथियम, तो हो जाएगा यहां पर सीजियम का क्योंकि हाईएस्ट साइज है। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट आईई, तो यहां पर देखिएगा हाईएस्ट आईई की जो वैल्यू है वो हीलियम की होती है। ये सभी क्या है बेटा? इनर्ट गैसेस है और इनर्ट गैसेस में सबसे ज्यादा आईई वैल्यू कौन रखता है? हीलियम रखता है। और अभी लास्ट ग्राफ में भी आपने डिस्कस किया था, देखो ग्राफ को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा हीलियम, हीलियम का जो ग्राफ है इसमें आयनाइजेशन एनर्जी नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन और रेडॉन से ज्यादा मिल रही है। ठीक है, तो यहां आप कह सकते हैं हीलियम, हीलियम का आईई हाईएस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईई ऑर्डर, आपको आईई का ऑर्डर सही बताना है इसमें बेटा। देखिएगा सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो सीजियम तक आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज होती है। तो आप कह सकते हैं आईई इनवर्सली होती है बेटा एटॉमिक साइज के, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो श्योरली आईई डिक्रीज मिलेगा। Which of the following elements has highest IE? Highest IE बताना है आपको जो हो जाता है आपके Mg+2 में। Penetrating power order of orbitals. Third, सबसे ज्यादा S, फिर उससे कम P, उससे कम D और सबसे कम F का penetrating power होगा। IE order of nitrogen, oxygen, fluorine and neon. यहां पर देखिएगा क्या बात आती है बेटा, सबसे ज्यादा जो है वो neon का हो जाता है, फिर फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, क्योंकि यहां पर देखिएगा बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और neon, neon में तो क्या हो जाता है NP6, फ्लोरीन में NP5, ऑक्सीजन में NP4 और नाइट्रोजन में NP3, तो यहां पे फुल्ली फिल्ड और यहां पे हाफ फिल्ड, तो सबसे ज्यादा तो किसका हो जाएगा बेटा? फुल्ली फिल्ड का, आफ्टर
एनपीएस फ्लोरीन का हो जाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन जो हाफ फिल्ड है उसका होगा, और सबसे कम आईई का वैल्यू जो है वो एक ही पीरियड के ये मेंबर हैं, इनमें ऑक्सीजन का लोवेस्ट ऑर्डर होता है, ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा नियॉन फ्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर बेटा। विच ग्रुप एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम आईई, वी ए वी आई, ये फिफ्थ ए सिक्स ए सेवंथ ए एट्थ ए, तो आप कह सकते हैं एट्थ ए। वैसे देखिएगा एट्थ ए जो नेम है वो दिया ही नहीं गया था, यहां आता बेटा जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप आप बोल सकते हैं या तो, या आप बोलेंगे बेटा इनर्ट, या आप बोल सकते हैं नोबल, या आप बोल सकते हैं बेटा एरोजन्स। क्लियर, ये कहना गलत है क्योंकि ऐसा सब शेल ये सब ग्रुप्स में एट नंबर को डिवाइड ही नहीं किया गया है पीरियोडिक टेबल में, ना ही तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में देखा गया, ना ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा गया है। क्लियर बेटा। ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी, या आप कह सकते हैं बेटा पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी इन आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड, पीरियड में देखिएगा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या, यहां पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, मतलब जेड इफेक्ट के इंक्रीज होने पर क्या हो जाता है बेटा, आईई भी इंक्रीज हो जाता है। इन ग्रुप आयनाइजेशन डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल। एल्कलाइन मेटल, ये एल्कली मेटल हैव लो आईई हेंस मोर रिएक्टिव। देखिए बेटा जो एल्कली मेटल्स होती हैं फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर, एल्कली मेटल का मतलब क्या हो गया बेटा, फर्स्ट ए ग्रुप मेंबर, पहला ग्रुप, ठीक है, इसके सभी का आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है बेटा वो कम होता है, लो होता है, इसीलिए ये मोर रिएक्टिविटी शो करते हैं, या यूं कह सकते हैं केमिकली रिएक्टिव होती हैं। रीजन देखिएगा, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। ग्राफ देख लीजिएगा इनका, ग्रुप नंबर फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स्थ ए सेवंथ ए और एट ए के लिए कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, फिर जिगजैग इंक्रीज हो रहा है, फिर थोड़ा और जिगजैग हुआ, फिर ऑलमोस्ट सिमिलर शामिल रहा है। ओके, इन पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी, ये पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी है, जैसे फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड फोर और फाइव पीरियड तक की आपने यहां पर बात की है। देखिएगा यहां पर फोर पीरियड आपको गिवन है, ग्रुप टॉप टू बॉटम, देखिएगा इन ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजेस, देखिएगा हर टाइप पे हर ग्रुप में आप देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आयनाइजेशन एनर्जी। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए आपको बताना बेटा, तो आप कह सकते हैं व्हाई नाइट्रोजन हैव मोर आईई देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हैव मोर आईई देन ऑक्सीजन बिकॉज ए स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन नाइट्रोजन, इट इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन, हेंस नाइट्रोजन रिक्वायर्ड मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन। इन पीरियड्स आईई इंक्रीजेज डिक्रीजेज, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, तो पीरियड में देखिएगा आप कह सकते हैं कि डिक्रीज ना होके एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है और ये इंक्रीज हो जाती है, तो फर्स्ट हो जाएगा। इन ग्रुप आईई इंक्रीज डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, तो डिक्रीज।
इन पीरियड आयनाइजेशन इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज, इंक्रीजिंग ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक साइज बोथ ए एंड बी। तो ये हो जाएगा इसमें बोथ ए एंड बी, डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज, इंक्रीजिंग ऑफ जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Which of the following elements have lowest IE? Alkaline earth metal, chalcogens, halogens, alkali metals. तो ये हो जाता है alkali metals. First A group के members जो होंगे, elements जो होंगे, वो lowest IE रखते हैं. IE of nitrogen greater than oxygen due to fully filled electronic configuration in nitrogen, half filled electronic configuration in nitrogen, less number of electrons in nitrogen, more number of electrons in oxygen. तो जाएगा half filled electronic configuration. यहां देखिएगा np3 होता है और यहां होता है np4. क्लियर बेटा? थैंक यू। यहां तक आयनाइजेशन एनर्जी के इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा बेटा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है? बारी बारी से आप वीडियो को देखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ जाएगी बेटा। थैंक यू।